Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we are going to start the last part of the chapter. Let's start. Democratic government. India is a democracy. India एक democracy है और यहाँ पर democratic form of government है. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पीपल्स गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं वो हमारे थ्रू इलेक्ट होते हैं और हमारे बिहाफ पर पॉलिसीज और लॉस बनाते हैं. हम खुद रूल नहीं करते, हम उसको वोट देते हैं जो हमारे बिहाफ पर वहाँ जाता है और पॉलिसीज और लॉस बनाता है. इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पीपल्स गवर्नमेंट भी बोलते हैं. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. You know that the main feature of a democracy is that people have power to elect their leaders. तो अभी तो इस टाइम पर जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, पर हमेशा ऐसा नहीं था. कई कंट्रीज को बहुत सारी सिविल वॉर और काफी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, उनके बाद उन्हें डेमोक्रेसी मिली है. तो हमें डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है. अभी भी वर्ल्ड में कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ मिलिट्री रूल करती है या मोनार्कियल सिस्टम है. इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. दिस मीन्स दैट द वुमेन propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. तो पहले के टाइम पे गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को अलाउ करती थी वोट देने के लिए जो लिटरेट होते थे, यानी कि पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और मेन होने चाहिए. वो वुमेन को अलाउड ही नहीं था और उनको भी अलाउड नहीं था जो इलिटरेट थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. पर अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी 18 या 18 प्लस वोट कर सकता है. आपके जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो या आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो या आप किस जगह से आ रहे हैं, कुछ नहीं देखते हैं. सिर्फ आप 18 या 18 प्लस होने चाहिए और आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.